भारत सरकार की केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष के एक होने पर कहा कि पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ है और आपस में बिखराव है। उनके पास देश को आगे ले जाने की कोई नीति नहीं है, ना ही कोई नेता है। ऐसे लोगों के साथ देशवासियों का कल्याण कभी संभव नहीं है, ये बात देश की जनता जानती है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की जीत होगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए भारत सरकार की केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, जितना भी विपक्ष है वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है, आपस में टूटन है, आपस में बिखराव है, ना उनके पास देश को आगे ले जाने की कोई नीति है, ना कोई रोड मैप है और ना ही कोई सर्वमान नेता है। ऐसे टूटे बिखरे कुनबे के साथ देश का और देशवासियों का कल्याण कभी संभव नहीं है और ये देश की जनता जानती है। और इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार देश में लोगों की सेवा का अवसर प्राप्त करेगी।